अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अब्बास, आप देख रहे हैं TXTV। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पूरी देखना शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की पहली हिंदू दलित खातून सेनेटर कृष्णा कुमारी और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर खारजा हिना रबानी खार और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के बारे में। इन तीनों का तल्लक सूबा सिंध से है और ये तीनों सियासतदान पीपल पार्टी की रुकन भी रह चुकी हैं। पाकिस्तान के चंद इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी औरत को वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं, बल्कि कुछ इलाकों में तो औरत को घर से भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिंध में आज भी जागीरदाराना निजाम चलता है। सिंध के पसमांदा इलाके से कृष्णा कुमारी का निकलकर आना बड़ी जुर्रत और बहादुरी का काम है। मार्च 2018 में कृष्णा कुमारी पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट की रुकन मुंतखब हुई। कृष्णा कुमारी को एक ये भी एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान की पहली हिंदू दलित खातून सेनेटर बन चुकी हैं। कृष्णा कुमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुई थी। इनका ताल्लुक हिंदुओं में निचली समझी जाने वाली जात दलित से है। बेनजीर भुट्टो की भी ये ख्वाहिश थी कि कृष्णा कुमारी मजलूम औरतों के लिए आवाज उठाएं। कृष्णा कुमारी का इंतखाब पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज खुद किया था। कृष्णा कुमारी का तल्लक बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले रोपलो कोहली खानदान से है और कृष्णा कुमारी फरवरी 1989 को कोहली कबीले के एक गरीब खानदान में पैदा हुई। कृष्णा कुमारी अहले खाना समेत 3 साल तक वडेरे की निजी जेल में कैद रही हैं। निजी जेल से रिहाई पाने के बाद कृष्णा कुमारी ने थार की औरतों के लिए जद्दोजहद शुरू की थी। कृष्णा की शादी 16 साल की उम्र में लाल चंद से हो गई थी। शादी के वक्त कृष्णा 9वीं क्लास की तालबा थी। शादी के बाद कृष्णा कुमारी के शोहर ने कृष्णा कुमारी की तालीम हासिल करने में बहुत मदद की और कृष्णा कुमारी ने 2013 में सोशियोलॉजी में सिंध यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल कर ली। नंबर 2, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुई। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा से पहले कोई खातून कौमी असम्बली की स्पीकर मुंतखब नहीं हुई और न ही इनके बाद कोई और पाकिस्तानी कौमी असम्बली की स्पीकर बनी है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा 1997 में, 2002 में और 2018 में बदीन के हल्के NA 225 से कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हो चुकी हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने MBBS की डिग्री लियाकत मेडिकल कॉलेज जानशोरों से 1982 में हासिल की। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने 1997 में सियासत के मैदान में कदम रखा और पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन किया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा एक कामयाब बिजनेस वुमेन के नाम से भी जानी जाती हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुकी हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का तल्लक सिंध के एक बासर सियासी खानदान से है। डॉक्टर जुल्फकार अली मिर्जा इनके शोहर हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का वालिद और भाई भी कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। नंबर 3, शहीद बेनजीर भुट्टो। बेनजीर साहबजादी हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बीवी हैं और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपनी सियासी जिंदगी में कई रिकॉर्ड कायम किए, कई फरसुदा और बेहुदा रिवायात को भी तोड़ा। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून सियासी रहनुमा हैं। बेनजीर भुट्टो 2 बार वजीर आजम पाकिस्तान के मनसब पर फायज रह चुकी हैं। पहली बार 1988 से 1990 तक और दूसरी बार 1993 से 1996 तक वजीर आजम पाकिस्तान रही। बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर भी रह चुकी हैं। बेनजीर के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो को जियाउल हक दौर में फांसी दी गई थी। बेनजीर भुट्टो जियाउल हक के दौर में 1984 से 1986 तक जिला वतन रही। परवेज मुशर्रफ के दौर हुकूमत में 8 साल के बाद 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर ने जिला वतनी खत्म करते हुए कराची के बैनल अक्वामी हवाई अड्डे पर कदम रखा, जहां से बेनजीर ने अपने हजारों कारकुनों के साथ अभी चंद किलोमीटर का फासला तय किया था कि कारसाज के मकाम पर इनके काफले पर बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला हो गया। इस हमले में बेनजीर भुट्टो तो महफूज रही। ये
किसी भी सियासी काफले पर होने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला था। इस हमले के दो माह बाद 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो पर लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब करने के बाद बाहर निकलते ही एक और दहशतगर्दाना हमला किया गया जिसमें वो शहीद हो गईं। बेनजीर भुट्टो ने दो किताबें भी लिखी हैं। नंबर चार, चौथे नंबर पर है हिना रबानी खार। हिना रबानी 19 नवंबर 1977 को गुलाम नूर रबानी खार के घर पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 46 बरस है। इनके शोहर फिरोज गुलजार और इनके भाई रजा रबानी खार हैं। हिना रबानी खार ने 1999 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से माशियात में ग्रेजुएशन किया और 2001 में MBA की डिग्री हासिल की। हिना रबानी खार को न सिर्फ पाकिस्तान की कम उम्र तरीन वजीर खारजा बनने का एजाज हासिल है बल्कि पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वजीर खारजा बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। हिना रबानी खार का पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन खवातीन में भी शुमार होता है। हिना रबानी खार के बाद भी कोई खातून अभी तक पाकिस्तान की वजीर खारजा नहीं बनी। हिना रबानी खार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में फरवरी 2011 से मार्च 2013 तक पाकिस्तान की वजीर खारजा रही। हिना रबानी खार पाकिस्तान का बजट पेश करने वाली पहली खातून है। वाजह रहे हिना रबानी खार ने 2013 में सियासत से रिटायर होने का ऐलान भी कर दिया था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।